हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने डिप गला के ब्लाउज का 42 और 44 नंबर के इंची के नाप का मांग किए थे, जिसमें हम कहे थे कि पार्ट टू में बतलाएंगे, लेकिन इसे मैं अलग से बतला रही हूँ। ये 44 नंबर का है, 42 नंबर का ये है, 42 नंबर का ब्लाउज, जिसमें मैं 6 प्लाई, देखिए 6 प्लाई ऊन से बता रही हूँ। अगर इसमें आप 6 प्लाई का ऊन लगाएंगी, ऊन से बिनेंगी, तो इसमें फंदे रखें 85 घर रखने के बाद में आप बुनाई करें, बिल्कुल यही डिज़ाइन से इसी तरीके से बुनाई करें। और अगर आप 4 प्लाई की ऊन से बिनेंगी तो 110 से लेकर 115 घर तक आप रख सकती हैं, ठीक है। और 44 इंच के लिए 95 घर रखें 6 प्लाई ऊन से, और 4 प्लाई ऊन से अगर आप बिनेंगी तो 115 से लेकर 125 तक आप घर रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बिनाई अगर आप इस डिज़ाइन से करेंगी तो ये डिज़ाइन फैलने वाला रहता है, इसलिए इसमें आसानी से ये 1-2 इंच कम बेसी होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिप गला कैसे बनता है। इसमें जितना आपको लंबाई चाहिए आप नाप कर माप के अनुसार रख लें। रखने के बाद में इधर देखिए 5, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, 5 3 2 1, 5 3 2 1 दोनों तरफ से घटाते चले जाएंगे, लेकिन इसमें डीप गला है इसलिए 5 घर घटाने के बाद में बिल्कुल आधा आधा घर बांट दें, ठीक है। इसमें 84 घर है, इसमें आधा घर हम बांट चुके हैं, ये रहा आपका आधा घर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर से आप ऊन अलग से ऊन जोड़ लेंगी, ठीक है। अलग से ऊन जोड़ने के बाद में ये बिल्कुल हम आधा आधा पर ले आए हैं और अलग से ऊन जोड़ दिए हैं, देखिए ये एक अलग ऊन हुआ और ये अलग हुआ। अब इससे हम 5 घर गिराएंगे, पांच घर हम गिरा चुके। अब इसके बाद पूरा प्लेन बिन देंगे, प्लेन बिनने के बाद में फिर हम इस तरफ से भी 5 घर गिराएंगे, जो कि बाँह का, ये जो आप देख रही हैं बाँह, ये बाँह का घर घटेगा। अब हम बाँह के लिए 5 घर गिराएंगे। ये हम बिल्कुल जहाँ 5 घर गिराए थे उस स्थान पर हम पहुँच गए हैं। एक तरफ से 5 घर गिरा था, अब दूसरी ओर से भी हम 5 घर इसी तरह गिरा लेंगे।
ये पांच घर भी घटाने के बाद में हम लोग फिर बीनते चले जाएंगे, वहाँ जहाँ से घटाना शुरू किए उस स्थान पर पहुँचेंगे। अब पाँच के बाद बाँह की घटाई में तीन, पाँच के बाद ये पहले से पाँच हम घटा चुके थे, तो पाँच के बाद तीन, एक दो और ये तीन। अब फिर गले तक हम लोग बिल्कुल प्लेन बीनेंगे। अगर आप डिजाइन देना चाहती हैं पीछे पल्ला में तो डिजाइन के साथ बीनें। देखिए अब हम लोग फिर इधर तीन घर फिर गिराएंगे। अगर आप ज़्यादा डीप चाहती हैं तो पाँच के बाद चार, पाँच चार तीन दो एक गिरा सकती हैं, ठीक है। चार पाँच के बाद चार गिराते हैं क्योंकि आपको डीप गला चाहिए। अब इधर भी पाँच के बाद तीन घटेगा, पाँच तीन दो एक। अब आप इधर भी पाँच के बाद चार घटा दें, चार घटा कर फिर यहाँ पर तीन घटाएं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इस पल्ला में बतला रही हूँ। पाँच चार के बाद ये तीन, पाँच चार तीन हो गया, दो एक बाकी है। इधर पाँच तीन हुआ है बाँह की घटाई में, अब दो घटाएंगे।
ये देखिए ये इस तरह से जा रहा है, 5 4 3, अब 2 और 1 घटेगा इधर, और इधर 5 3 2 1 इधर घटेगा, ठीक है। हम सिर्फ आपको इस पल्ले की बुनाई करके दिखा रहे हैं, ये पल्ला आपको बता चुके हैं कैसे बिनाता है, लेकिन दोनों को एक साथ ही बिने ताकि आपका फिनिशिंग अच्छा आए। बाँह की घटाई यहाँ पर ख़त्म हुई, 5 3 2 1 बाँह की घटाई है। अब सिर्फ गले की घटाई और हम लोग एक एक बार करेंगे। ये देखिए 5 4 3 2, अब एक और एक बार घटेगा, एक ये गला का घटाई भी कंप्लीट हुआ, 5 4 3 2 1, और इधर से बांह भी 5 3 2 1। लेकिन हम लोगों को देखना है कि इसका गोलाई को, हम लोगों को गोलाई का सेप लाना है। इसके लिए हम पहले पुट पर के कंधे पर की घर देख लेंगे, कंधे पर कितना घर है। ये अगर इतना रहेगा तो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो इधर भी बॉर्डर हमें बनाना है, और अगर फुल बना रही हैं तो इधर बांह जोड़ना है, हाफ़ बना रही हैं तो इधर बॉर्डर हम लोगों को बनाना है। तो ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पर इतना घर रखेंगे हम लोग, इतना यानी, और हम लोग इसमें एक घर और गिरा देंगे, और वो घर हम लोग बांह की ओर से नहीं गिराएंगे, हम लोग गले की तरफ से गिराएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और भी अभी थोड़ा और गोल होना चाहिए गला, तो आप एक एक करके 2 या 3 बार और घर गिरा सकती हैं, पर उससे ज़्यादा गिराने से फिर गला कंधे गिरने की डर रहेगी, इसलिए ज़्यादा भी ना गिराएं। देखिए अब इसमें यहाँ 15 घर आ गया है, 15 घर ठीक है, 6 प्लाई की ऊन है इसलिए 15 घर ठीक है, और अगर हम 4 प्लाई की ऊन से बिनेंगे तो 20 20 या 21 घर तक रख सकते हैं, ठीक है। और अगर और उससे भी महीन ऊन से बिनना है तो उसके लिए फिर आपको इसके अनुसार ही घर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमें इसे जितनी लंबाई है कंधे की, बाँह की जितनी ये ऊंचाई जो है ये इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर प्लेन और ऊपर की ओर बिनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग और ऊपर प्लेन बिन लेंगे, जैसे कि देखिए अभी हम लोगों को यहाँ तक बिनाई हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हुआ है बिनाई। इसके बाद हम लोग इसे इस जगह तक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे बिनते हुए। इसके बाद फिर हम लोग इसमें बाहर से बॉर्डर उठा करके बॉर्डर हम लोगों को इसमें बिनना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको अगर इसमें और किसी भी तरह की दिक्कत है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों का इसका उत्तर देने का। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।